नमस्कार, मैं दीति फौजदार। आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारा सेगमेंट सेहतनामा। आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन एक ऐसी समस्या है जो आपके जीवन के रोजमर्रा के कामों में भी काफी प्रभावित कर सकता है। यह हालांकि सिर दर्द की तरह शुरू होता है जो बाद में अन्य सिर दर्द की तरह बदल जाता है। आमतौर पर यह सिर के एक हिस्से में होता है, लेकिन कई बार ये पूरे सर में भी फैल सकता है, जिस कारण से रोज के कामों को करने में काफी तकलीफ हो सकती है। इसकी वजह से उल्टी, रोशनी, आवाज से सेंसिटिविटी की समस्या भी बढ़ सकती है, जो इस समय को और भी मुश्किल बना सकता है। मौसम में परिवर्तन जैसे अधिक सर्दी या गर्मी, शुष्क हवा, ज्यादा इम्यूनिटी, हवा के दबाव से बदलाव आदि की वजह से भी माइग्रेन ट्रिगर करता है। इसीलिए अभी के समय में जब शीत लहर चल रही है तो माइग्रेन अधिक ट्रिगर करता है। लेकिन चलिए जानते हैं कि क्या है माइग्रेन के ट्रिगरिंग पॉइंट्स। अधिक कॉफी, इमोशनल स्ट्रेस, अधिक ब्राइट लाइट, ज्यादा तेज हवा, सोने के पैटर्न में बदलाव, हार्मोनल बदलाव, दिन का खाना मिस करना, ज्यादा नमक खाना कुछ दवाइयों की वजह से, और मौसम में बदलाव, अधिक थकावट, इन कारणों की वजह से माइग्रेन ट्रिगर करता है। इसीलिए अगर आप माइग्रेन से पीड़ित हैं तो इन ट्रिगरिंग फैक्टर से दूर रहिए। हालांकि माइग्रेन का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इससे दवाइयों से और लाइफस्टाइल बदलाव से भी मैनेज किया जा सकता है। चलिए जानते हैं कि माइग्रेन को कैसे मैनेज करें। अगर आप माइग्रेन की समस्या से पीड़ित हैं तो आपने गौर किया होगा कि माइग्रेन का दर्द शुरू होने से पहले कुछ लक्षण नजर आने लगते हैं। जैसे कि आपको वे लक्षण देखने को मिले तो सतर्क हो जाएं और खुद को सभी ट्रिगरिंग फैक्टर से दूर कर लें, जैसे कि शांत जगह जाकर बैठ जाएं, थोड़ी देर लाइट और साउंड से दूर रहें, जिसकी वजह से आपको काफी ट्रिगरिंग पॉइंट से राहत मिल सकती है। इसी वजह से अपनी डाइट में कुछ ज्यादा ही आइटम्स को शामिल करिए, जैसे कि सीजनल सब्जियां, फल, अनाज आदि को भी शामिल करिए और अधिक नमक और चीनी से दूर रहिए। साथ ही शरीर में पानी की कमी को ना होने दीजिए। नियमित तौर पर अपने खान पीन का ध्यान रखिए। खाने के दौरान किसी भी व्यक्ति को या किसी से बात ना कीजिए। नींद पूरी करें, रोज से 7 से 8 घंटे की सुकून भरी हुई नींद लें। स्ट्रेस मैनेज करें ताकि काफी आपको प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो या ऐसी कोई भी समस्या आपको ना बढ़े। रोज एक्सरसाइज करिए और अपने डॉक्टर से भी सलाह लीजिए अगर आपको ज्यादा तकलीफ हो। ऐसी और हेल्थ रिलेटेड टिप्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल द नगरी न्यूज के साथ। धन्यवाद।